हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज देखिए आम का चटनी बनाने जा रही हूँ। आम का चटनी मैं कैसे बनाती हूँ आइए आपको बताते हैं। दो मिर्च ली हूँ, सूखी मिर्च तीखे के लिए। यहाँ पर मैं ली हूँ 5 फोड़न। देखिए इसमें सब मेथी है, सौंफ है, कलौंजी है, अजवाइन है, जीरा है, सब कुछ ली हूँ। थोड़ा सा जीरा एक्स्ट्रा ली हूँ, इसका खाने में टेस्ट ज़्यादा लगता है। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, जो ली हूँ सबको इसमें फ्राई कर लूँगी। पहले देखिए ये फ्राई हो चुका है अच्छे से, कलर भी चेंज हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाली हूँ, सरसों ऑयल। यहाँ पर मैंने आम को अच्छे से काट के धो के रखी हूँ। इसको डाल दूँगी उसमें 1/2 चम्मच सरसों, 1 तेज़पत्ता टुकड़ा करके मैं आम को डाल चुकी हूँ। यहाँ पर मैं 3 आम का चटनी बना लगा रही हूँ, इसलिए आम बहुत ज़्यादा खट्टा है। 3 नंबर हल्दी सबको मिक्स कर लूँगी। मैं ढक दी थी, ढक्कन हटा चुकी हूँ। देखिए अब पूरा गल चुका है। और तोड़ दूँगी जिससे कि ग्रेवी टाइप का बने। इसका पानी जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक इसे फ्राई करते रहेंगे। फिर इसमें थोड़ा ढक दूंगी। देखिए लगभग पानी तो पूरा ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पर गुड़ ली हूँ, क्योंकि मेरा 3 आम है, आम बहुत ज़्यादा खट्टा था इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। देखिए मैं गुड़ को डाल चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल चुकी हूँ इसमें, इसी के साथ जिससे गुड़ अच्छे से गल जाए जल्दी। आप लोग हो सके तब इसे चलाते रहना है, देखिएगा गुड़ अच्छे से गल जाएगा और अचार कचनल भी आना सकता है। कल से ये करना है, तब तक मैं इसे चलाते रहूँगी, नहीं तो चिपक जाएगा अंदर तरफ। तब तक चलाना जब तक गुड़ का कच्चापन खत्म ना हो जाए। देखिए ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए गुड़ अच्छे से पक चुका है, इसका स्मेल कम हो चुका है, इसमें स्मेल हट चुका है अच्छे से। इसमें जो मिर्च और जीरा में 5 फोड़न जो मैं पीस के फ्राई कर की थी उसे मैं दरदरा पीस ली हूँ, अब इसे डाल देना है इसमें। देखिए मैं मसाला डाल चुकी हूँ, दरदरा जो पीसी थी। आम का चटनी चटनी टॉक झाल मिर्ची रेडी है, जो खट्टा मीठा तीखा तीनों एक ही में मिलेगा। देखिए देखिए कितना सुंदर अचार का एकदम मसाला एकदम नहीं, मतलब पाउडर तरह ना नहीं पीसिएगा, थोड़ा मोटा पीसिएगा दरदरा जैसे, जिसे मुँह में लगे उससे टेस्टी ज़्यादा लगता है। इन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा बना है बताइए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।